जय माता दी, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो आज मित्रों, मैं आपको कन्या पूजन स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का अंतिम पड़ाव होता है कन्या पूजन, और तभी पूजा हमारी संपन्न होती है। तो कन्या पूजन में आयु के हिसाब से कन्या पूजन का फल मिलता है, यानी कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की बच्चियों को ही कन्या पूजन में शामिल करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों और क्या होता है, इससे लाभ मैं आपको आज बताऊंगी कि किस आयु की कन्या से, जैसे कि 2 वर्ष की आयु है, 3 वर्ष की आयु है, तो उससे कैसे कन्या पूजन में आपको फल मिलेगा, वो सारा डिटेल आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों देखिए, मान्यता ऐसा है कि जो नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, अष्टमी या नवमी वाले दिन, कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख शांति और संपन्नता आती है। कन्या पूजन में कन्याएं जो हैं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में 2 से लेकर 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नवेद लगाकर और भेंट अर्पित कर फिर कन्या पूजन जो है किया जाता है। कन्याओं को भोज कराते हैं, उनका पूजा करते हैं। कन्या भोजन ना करवा पाए तो आप भोजन बनाने का जो सामान होता है, कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी, फल, कन्या के घर में जाकर भेंट कर सकते हैं। आइए मित्रों, देर ना करते हुए मैं कन्या पूजन का फल बताती हूँ। सबसे पहले मैं 2 साल की कन्याओं के बारे में बात करूँ तो 2 साल की कन्याओं को कौमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। तो 2 साल की कन्या के लिए अगर आपको दुख और दरिद्रता की परेशानी है तो आप 2 साल की कन्याओं को बिल्कुल अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं। 3 साल की कन्या के बारे में मैं आपको बताऊं कि 3 साल की कन्या जो होती है त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और परिवार में कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। अब है 5 साल की कन्या के बारे में बताऊं तो 5 साल की कन्या जो है रोहिणी मानी गई है। इनकी पूजा से रोग से मुक्ति मिलती है। आइए मित्रों, अब 6 साल की कन्या के बारे में बात करें। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। अब है 7 साल की कन्या। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। अब अगला जो है वो 8 साल की कन्या के बारे में बात करूंगी। 8 साल की कन्या को संभावी कहते हैं। इनकी पूजा से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। उसके बाद है नेक्स्ट 9 साल की कन्या। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप कहलाती है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो सब में आपको विजय प्राप्त होता है। अब अंत में है 10 साल की कन्या के पूजन का फल। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं, यानी कि आपको सारे सुख संपत्ति जो भी है, सुख सुविधा, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये 10 साल की कन्या का पूजन का फल है। तो मित्रों ऐसे आप अलग अलग कन्याओं के उम्र के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो इस बार कन्या पूजन में आप विशेष ध्यान रखें कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर आपको कन्या मिल जाती है तो वो उस साल की कन्या को आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।